हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में इसी तरह की परिस्थिति बनी है और हर एक क्षेत्र में भारत सरकार ने ओजीएल के नाम पर, ओपन जर्नल लाइसेंस की पॉलिसी के नाम पर इस तरह से विदेशी सामानों को बेचने की खुली छूट दी है। अभी तक हमारे देश में क्या हो रहा था कि जो वस्तुओं का विनिमय है या वस्तुओं का व्यापार है उसमें भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाना शुरू किया था पिछले 7-8 वर्षों में उदारीकरण के नाम पर। अब अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां ये चाहती हैं कि वस्तुओं के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी हमारा धंधा भारत में बढ़े और सेवा के क्षेत्र में भारत में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का धंधा बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का दबाव आना शुरू हुआ है और आप जानते हैं कि भारत सरकार के ऊपर इसी तरह का दबाव 1994 के साल में आया था जब भारत सरकार ने गेट करार पर हस्ताक्षर किए थे, WTO के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और उसी समय भारत सरकार के ऊपर यह दबाव था कि आपने वस्तुओं के क्षेत्र में तो बाजार को खोल दिया विदेशी कंपनियों के लिए, अब सेवा के क्षेत्र में भी बाजार को खोलिए विदेशी कंपनियों के लिए। तो भारत सरकार ने क्या किया, अमेरिका के इस दबाव में आकर, यूरोप के देशों के दबाव में आकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी कुख्यात संस्थाओं के दबाव में आकर हिंदुस्तान में एक मल्होत्रा कमेटी बनाई और मल्होत्रा कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाने के लिए हम दरवाजा खोलना चाहते हैं, अतः आप बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कैसे बुलाया जाए और कौन से रास्ते से बुलाया जाए उसके लिए रिपोर्ट तैयार करिए। मुझे बहुत दुख होता है ये कहकर कि मल्होत्रा जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान में रहते हुए अमरीकी एजेंट की तरह से काम किया इस देश में और उन्होंने भारत सरकार को यह रास्ता बताने की कोशिश की कि बीमा के क्षेत्र में कैसे विदेशी कंपनियों को बुलाया जा सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताना शुरू किया कि जिस तरह से बीमा के क्षेत्र में हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, LIC है, GIC है, इनको खत्म कराना होगा और इनके स्थान पर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों को लाना होगा और उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार करके फिर हिंदुस्तान में बीमा के क्षेत्र में निजीकरण का प्रयास, प्राइवेटाइजेशन का प्रयास और ग्लोबलाइजेशन का प्रयास शुरू किया। आप जानते हैं और इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आप गंभीरता से पढ़ते होंगे, सोचते होंगे, विचारते होंगे, हमारे देश की एक सरकार ने इस पर बहुत ही गंभीरता से काम किया कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कैसे बुलाया जाए और बीमा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट कैसे दी जाए। और जिस समय भारत सरकार ने यह प्रयास शुरू किया तो उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था चिदंबरम। चिदंबरम जैसे लोग जब वित्त मंत्री बनते हैं हिंदुस्तान में तो उनसे यही उम्मीद हो सकती है जो वो करते रहे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह के लोग इस देश में वित्त मंत्री बनते हैं। एक बार चिदंबरम वित्त मंत्री होते हुए लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने लंदन के कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने एक भाषण दिया और उस भाषण में चिदंबरम महोदय ने लंदन के पूंजीपतियों को कहा कि आज से कई वर्ष पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा था और 200 वर्षों के लिए हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप हिंदुस्तान में आइए, आप हिंदुस्तान में आइए, मैंने हिंदुस्तान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को लूट कर ले जाइए और इसके लिए आपको बहुत बड़ा इनाम भारत में मिलेगा। मुझे शर्म आती है कि ऐसे चिदंबरम नाम के लोग इस देश में वित्त मंत्री बन सकते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वफादारी अमेरिकन और यूरोपियन पूंजीपतियों के साथ निभाते हुए हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों को बुलाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया और उसका एक बिल तैयार करके उन्होंने संसद में पेश करने के लिए तैयारी की। उस समय बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उस विधेयक को पारित नहीं होने देने की कसम खाई थी और विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर उस विधेयक को सरकार के किसी भी ताकत से पारित नहीं होने देंगे,
ऐसा संकल्प किया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, और खुशी इस बात की हुई कि हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने बहुत सारे अंतर विरोधों को बाजू में रखकर एक राष्ट्रीय प्रश्न पर समझौता किया और विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में रोकने के लिए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात मुझे आज ये हो रही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने चिदंबरम के वित्त मंत्री होने के समय में बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को घुसने नहीं देने का विधेयक पारित नहीं होने दिया था, आज दुर्भाग्य से वही राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान के बीमा क्षेत्र का विदेशीकरण करने की तैयारी कर रही हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को स्वदेशी का नारा लगाकर वोट बटोरा, जिन्होंने जिंदगी भर राष्ट्रवाद की बात करी, जिन्होंने जिंदगी भर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाया, आज उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर हिंदुस्तान का बीमा क्षेत्र विदेशी कंपनियों को खोलने का फैसला किया है। ये चिदंबरम ने जो किया था उससे भी ज्यादा अफसोस का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में करने जा रही है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही खराब काम इस देश में होने जा रहा है। और बाकायदा क्या किया है इन देश की सरकारों ने कि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी ने भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला कर लिया। अब आप जरा ध्यान देंगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तैयार है। इसका माने हिंदुस्तान के दो बड़े राजनीतिक दलों ने पूरे हिंदुस्तान के विदेशीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। और शर्म की बात यह है कि जिन्होंने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया अब वो इस तरह का काम करने के लिए जा रहे हैं। मुझे उससे भी बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि इस समय जो केंद्र में सरकार चल रही है उस सरकार में तीन ऐसे बड़े मंत्री हैं जिन्होंने एक बार हिंदुस्तान के स्वदेशीकरण का प्रयास किया था। आप याद करिए 1977 में इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके प्रधानमंत्री थे श्री मुरारजी भाई देसाई, उसके विदेश मंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस सरकार के उद्योग मंत्री थे श्री जॉर्ज फर्नांडीज, उस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे श्री लाल कृष्ण अडवाणी। और इन लोगों ने 1977 की सरकार में आने के बाद अमेरिकन कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी आईबीएम को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी आईसीएल को हिंदुस्तान से भगाया था। और उस समय इन सब ने नारा लगाया था कि जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण करेगी और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्य आज हमारे देश का यह है कि उस सरकार के तीनों मंत्री आज केंद्र सरकार में पहले से ज्यादा ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री हुआ करते थे आज प्रधानमंत्री हैं, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे वो आज गृह मंत्री हैं, श्री जॉर्ज फर्नांडीज जो पहले उद्योग मंत्री हुआ करते थे आज रक्षा मंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण और तेजी के साथ करेंगे। जब 1977 की सरकार में ये छोटे मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने अमेरिकन कंपनियों को भगाया था हिंदुस्तान से, तो अब ज्यादा बड़े मंत्री होने के बाद जो ज्यादा अमेरिकन कंपनियों को भगाएंगे हिंदुस्तान से, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ और अफसोस इस बात का है कि अभी यही लोग सबसे पूरी ताकत लगाकर अमेरिकन कंपनियों को भारत में बुलाने का खेल खेल रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। और इस अफसोस का जो दूसरा घटनाक्रम है वो ये
कि एक तरफ वस्तुओं का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोला इन्होंने पूरी तरह से, आज विदेशी कंपनियां छा गई हैं हिंदुस्तान के बाजार में, 80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी जा रही है। पिछले 1991 से जब से उदारीकरण की नीतियां शुरू हुई हैं, विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ है। ओजीएल की पॉलिसी के तहत विदेशी खाद्य तेल 20 रुपए लीटर का मिलता है, हमारे देश का खाद्य तेल 40 से 45 रुपए लीटर का होता है। विदेशी लोहा 7,000 रुपए टन में है, स्वदेशी लोहा 14,000 रुपए टन में है। हर विदेशी माल सस्ता है, स्वदेशी माल महंगा है, क्योंकि विदेशी माल पर टैक्स बहुत कम कर दिए हैं सरकारों ने। तो नतीजे ये निकले हैं कि हिंदुस्तान की 40 से 50% छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर सबसे बुरा असर पड़ा है इस उदारीकरण और जागतिकरण की नीतियों का। अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात गया था और अहमदाबाद में मेरी एक जाहिर सभा थी। उस सभा को करने के बाद गुजरात प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राजीव भाई, आप बिल्कुल सच बोलते हैं, 1991 से जब से विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ, गुजरात सरकार ने अभी एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि 50% गुजरात के छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। वापी में 3,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। वापी के अलावा अहमदाबाद में 50 से 55% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सौराष्ट्र में 55 से 60% फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान था कि विदेशीकरण के चलते, उदारीकरण के चलते इस महाराष्ट्र की 50 से 60% इंडस्ट्रीज बंद हुई है। केंद्र सरकार खुद मानती है कि जब से विदेशी कंपनियों का माल ज्यादा बिकना शुरू हुआ, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग पूरे देश में बंद हुए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेकार हुए हैं। तो अभी तक तो हमारे देश में उद्योग के क्षेत्र में, वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां आईं, तब हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए। अब आप जरा कल्पना करिए कि अगर बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, माने हमारे देश के पूरे सर्विस के सेक्टर में अगर विदेशी कंपनियां इसी तरह से घुसती चली गई, तब इस देश में बेरोजगारी का क्या होगा और तब इस देश में पैसे के बाहर जाने का रेशियो क्या होगा। मैं अभी आता था, रास्ते में बात कर रहा था, इस हिंदुस्तान के बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आने में इसलिए लालच आता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत नहीं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई हाईटेक लाने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाकर हिंदुस्तान में कोई असेट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये अकेला एक और एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश से काम शुरू करा सकता है और इसी क्षेत्र में व्यापार बहुत भयंकर हो सकता है और मुनाफे बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप तो स्वयं जानते हैं, आप LIC में काम करते हैं। LIC जब शुरू हुआ 1956 में भारत में, तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से यह व्यापार शुरू हुआ था और 5 करोड़ की पूंजी निवेश करके भारत सरकार ने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाया, आज उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करके 1,25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की हुई है। इस बात का अर्थ जरा गहराई से समझिए कि जो व्यापार हमारे देश में 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ, माने 5 करोड़ रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल पर LIC का काम शुरू हुआ और आज उस LIC के पास फंड्स के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए 1,25,000 करोड़ रुपए दे रखा है जो आपके पास जमा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में बचत करने की बड़ी भारी मन में संकल्प शक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तानी आदमी बचत करता है और अपने किए गए खून पसीने की कमाई के बचत को आपके पास रखता है। और आप भी क्या करते हैं, क्योंकि आप इस राष्ट्र के लिए बने हैं और ये राष्ट्र आपका है, आप इस राष्ट्र के हैं, तो आपके पास जो इस तरह की बचत आती है वो आप हिंदुस्तान के ही विकास के काम में लगाते हैं। मैं देख रहा था कि इसी LIC ने हिंदुस्तान के विकास के काम में विद्युत के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है
और इसी तरह से पानी के क्षेत्र में माने हिंदुस्तान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो उसके लिए 10-12 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, गृह के काम के लिए, हाउसिंग के काम के लिए। मैं कुल मिलाकर देख रहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए LIC ने लगभग 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया। माने लोगों की कुल जमा पूंजी आपके पास 1.25 लाख करोड़ है और वही जो पूंजी लोग जमा करते हैं उसी में से आपने अब तक लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, उनको बिजली की सुविधाएं देने के लिए, पानी की सुविधाएं देने के लिए। इसका माने यह है कि LIC जैसी कंपनियां या GIC जैसी कंपनियां या सर्विस सेक्टर की हिंदुस्तानी कंपनियां इसी देश के विकास के काम में अपना पैसा लगाती हैं। और मैंने यह भी जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जितना मुनाफा कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5% भारत सरकार को जाता है, 95% मुनाफा आपके जो पॉलिसी धारक हैं उन्हीं में बट जाता है। तो जो कंपनियां 95% अपने मुनाफे का पूंजी धारकों में बंटवारा करती हों, ऐसी कंपनियों के क्षेत्र में अगर विदेशियों को घुसाया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का। जो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है कि बीमा के क्षेत्र में अगर विदेशी कंपनियों को घुसाया भारत सरकार ने, तो हमारे देश की जनता की ये खून पसीने की कमाई की जो पूंजी है जिसको हम डोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं, ये डोमेस्टिक सेविंग्स हिंदुस्तान के लोगों की जो आपके पास रखी हुई है, दुर्भाग्य से ये सारी की सारी डोमेस्टिक सेविंग्स अगर विदेशियों के हाथ में चली गई तब हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। आप जानते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने भी सच्चा विकास किया है वो अपने देश की घरेलू बचत को ध्यान में रखकर किया है। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश का उदाहरण लीजिए, जैसे चीन का उदाहरण लीजिए, चीन ने आज तक 50 साल में जितनी भी तरक्की की है उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान चीन के लोगों के घरेलू बचत का रहा, डोमेस्टिक सेविंग्स का रहा है। आज दुनिया में अगर कोई एक और एक देश ऐसा है जहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स सबसे ज्यादा है तो उसका नाम है चीन। चीन का एक साल का जो सारा GDP होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सारा उनका वैल्यू होता है, उसका 36% वहां सेविंग्स होती है। तो चूंकि उन्होंने अपने जो उत्पादन हो रहा है पूरे राष्ट्र में चीन के, वहां की उत्पादन के 36% तक के स्तर तक उन्होंने घरेलू बचत बनाई है और उस बचत ने चीन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम हिंदुस्तानी लोगों को यह बात गंभीरता से समझनी चाहिए कि कल को हमें भी अगर स्वावलंबी विकास करना हो, स्वदेशी आधारित विकास करना हो, तो यही घरेलू बचत है जो हमारे देश के काम में आ सकती है। कोई विदेशी कंपनी हमारा विकास करने के लिए नहीं आ सकती, हम हमारी पूंजी से ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुनिया भर का नियम है कि आपका घर बनाने के लिए कोई विदेशी नहीं आएगा, आपको अपना घर बनाना है तो अपने अभिक्रम से, अपनी ताकत से बनाना होगा। ये विदेशी कंपनियां जो आएंगी वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आएंगी, ये विदेशी कंपनियां आएंगी वो भारत से संपत्ति लूट कर ले जाने के लिए आएंगी। वो भारत का विकास करने नहीं आएंगे, वो अपना विकास करने के लिए इस देश में आएंगे। और उनको दिखाई दे रहा है कि ये बीमा का क्षेत्र इतना लाभ देने वाला क्षेत्र है कि बहुत कम पूंजी निवेश पर इसमें इतना भयंकर मुनाफा हो सकता है। आज LIC का कुल मुनाफा साल का 30-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। तो अमेरिकन कंपनियों को ये दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से LIC नाम की कंपनी हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर अगर 30-35 हजार करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमा सकती है, कुल आय अपनी दिखा सकती है, तो अमेरिकन कंपनियां इस क्षेत्र में अगर घुस गई तो कितने हजार करोड़ रुपए का मुनाफा उनको हो सकता है। इस दृष्टि से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में घुसना चाहती हैं। और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के नेता उनको इस काम में मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तान में घुसाने के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और संसद में एक ऐसा विधेयक लेने जा रहे हैं जो विधेयक के आधार पर हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा और विदेशी
स्वदेशी लूट का एक नया अध्याय इस देश में और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। इसलिए यह गंभीर बात है हम सबको सोचने के लिए, और मुझे यह लगता है कि आज हमने अगर पूरी ताकत लगाकर इस तरह की चीजों को नहीं रोका तो कल जानते हैं क्या होगा। आज वो बीमा के क्षेत्र में घुस रहे हैं, कल बैंकों के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर दुकानदारी के क्षेत्र में भी घुस जाएंगे, फिर छोटी मोटी जितनी सेवाएं हिंदुस्तान में है सब में विदेशी घुस जाएंगे। एक तरफ तो पूंजी के क्षेत्र में घुस चुके हैं, वो शेयर बाजार में तो घुस ही चुके हैं विदेशी, अब सेवा के क्षेत्र में घुसने की तैयारी है, वस्तुओं के क्षेत्र में सरकार उनको घुसा ही रही है। और मुझे जो दुख होता है ये जानते हुए कि अगर ये सारे के सारे क्षेत्र विदेशियों के हाथ में ही चले जाएंगे तो हम हिंदुस्तानियों को फिर क्या करने के लिए बचेगा, ये हम सबके लिए एक गंभीर प्रश्न है। और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। मैं बहुत बार इन नेताओं से मिलता रहता हूं और कभी कभी मैं इनसे पूछता हूं कि आप जब कुर्सी पर नहीं होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुर्सी पर बैठते ही आपकी हवा क्यों निकल जाती है, आप ये उल्टे काम करना क्यों शुरू करते हैं। तो अक्सर ये नेता आप मुझको क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई आप तो जानते ही हैं कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारे समझौते कर रखे हैं, 1994 की सरकार ने गेट करार का समझौता कर दिया, अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें वही समझौता हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है। और मैं फिर उनको एक सवाल और पूछता हूं कि अच्छा अगर यही बात है कि पुरानी सरकार ने एक समझौता किया जिसका नाम गेट करार का समझौता या डंकल प्रस्ताव या WTO का एग्रीमेंट, और हम मानते हैं कि वो गलत समझौता था और आप भी उसी गलत समझौते को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप में और पुरानी सरकार में फर्क क्या? क्या हम आपको इसलिए लेकर आए थे वोट देकर कि आप भी वही गलती करना जो पुरानी सरकार कर रही थी? पुरानी सरकार ने अगर हिंदुस्तान को खड्डे में फेंका तो आप उसको खड्डे से निकाल के खाई में फेंकना चाहते हो? हम एक सरकार लाते हैं, वो गलतियां करती है, उसको हटाते हैं, दूसरी सरकार लाते हैं, अब दूसरी सरकार भी वही गलती करे जो पुरानी सरकार करती है, तो ये सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हो? तुम सब मिलकर एक ही खानदान क्यों नहीं बना लेते? हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि हम अलग खानदान के हैं, हम अलग खानदान के हैं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ये सब एक कर दो। जब पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है और नई सरकार कोई नई नीति बनाना ही नहीं चाहती, तो हम तो मानते हैं कि जनता के लिए तो ये सब खानदान एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आपकी नीतियों में फर्क नहीं है तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्यों बोलते हो फलानी पार्टी बेकार है, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है? कहो कि हम सब पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो वो करते हैं वो हम करने वाले हैं, अब आपकी हिम्मत हो तो वोट दीजिए वरना मत दीजिए। और अगर इस ईमानदारी से वोट मांगोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक तो हिंदुस्तान की 50% जनता ही वोट देने जाती है, फिर शायद 5% जनता भी वोट देने नहीं जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं आपसे और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका मुझसे और आपसे कुछ लेना देना नहीं। पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया स्थिरता का, पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया गुड गवर्नेंस का। मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या? मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि पुरानी सरकार की हुई गलतियों को नई सरकार नहीं करेगी, वही मेरे लिए गुड गवर्नेंस है। अगर पुरानी सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाकर हिंदुस्तान के बाजार को खोला, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग उसमें बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी, वो 3 लाख बंद पड़े हुए उद्योगों को नया खुलवाएगी और 8 करोड़ जो बेकार हुए हैं उनको नया काम दिलवाएगी, तब तो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस हुई। अब नई सरकार आकर बोलती है कि पुरानी सरकार ने तो 3 लाख उद्योग बंद कराए थे, हम 6 लाख और कराएंगे, तो यह गुड गवर्नेंस हुआ कि बैड गवर्नेंस हुआ? और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो 13 महीने सरकार चली और गिर गई तो दुनिया भर में स्थिरता का नारा लगा दिया, अब तुम्हारे पास स्थिर मेजोरिटी आ गई तो तुम 13 महीने की सरकार ने जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाया उससे और ज्यादा आप बुलाना चाहते हो, तो स्थिरता किसके लिए? जनता के लिए कि तुम्हारी कुर्सी के लिए?
तो स्थिरता का नारा या गुड गवर्नेंस का नारा जनता के लिए नहीं है, स्थिरता का नारा और गुड गवर्नेंस का नारा उनकी अपनी जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने गलत नीतियां बना रखी हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, इसका अर्थ यह साफ है कि अब हिंदुस्तान की दो राजनीतिक पार्टियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस राष्ट्र के हित में कुछ करेंगे। उन्होंने तो गठजोड़ कर लिया है और गठजोड़ ऐसे विचित्र तरीके से किया है कि अभी थोड़े दिन पहले फिक्की का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए और भाषण देकर आए कि मैं उदारीकरण की गति को और तेज करने वाला हूं। दूसरे दिन मैंने देखा कि श्रीमती सोनिया गांधी भी पहुंच गई वहां भाषण देने और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब उदारीकरण की गति को तेज करेगी तो हम पूरा समर्थन सरकार को देने वाले हैं। तो इसका माने अंदर खाने में दोनों की दोस्ती है, बाहर खाने में झगड़ा है, आपको दिखाने के लिए झगड़ा है, मुझको दिखाने के लिए झगड़ा है, अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं है। समझौता कर रखा है कि तुमने जितना देश बेचा उससे ज्यादा हम बेचेंगे, तुमने जितनी चैंपियनशिप मारी है उससे ज्यादा हम मारेंगे, तुमने हमको समर्थन दिया था हम तुमको समर्थन देंगे। इस तरह के गठजोड़ की राजनीति अब शुरू हुई है और मुश्किल ये है कि जब इस तरह की राजनीति देश में चलती है और इस तरह के विधेयक लाने जब शुरू हो जाते हैं संसद में, तो आप जानते हैं कि एक नया तरीका और आया है। कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप भयंकर पैमाने पर चल रही है इस देश में। कैसी डिक्टेटरशिप चल रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई MP हैं जो बीमा क्षेत्र के निजीकरण के पूरी तरह से विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कुछ MP हैं जो बीमा क्षेत्र के विदेशीकरण और निजीकरण के पूरी ताकत के साथ विरोधी हैं, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या होगा, मैं आपको आज बताता हूं कि जो लोग विरोधी हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने के, उनको व्हिप जारी किया जाएगा। एक तरफ बिल लाया जाएगा, दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जाएगा और व्हिप जारी करके सांसदों को यह बताया जाएगा कि जो सरकार चाहती है वैसा वोट डालो, अगर तुमने सरकार के कहने पर वोट नहीं डाला तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आजकल के MP इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको पार्टी छोड़ना मंजूर नहीं है, भले ही देश खड्डे में चला जाए। वो बातचीत में कई बार मुझे कहते हैं, मैं कई MP से मिल चुका हूं, 250 से ज्यादा MP से मैं पिछले 3 वर्षों में मिला हूं, और मैंने हर एक से यह पूछा कि आप क्या मानते हैं, विदेशी कंपनियों को ज्यादा आना चाहिए बीमा के क्षेत्र में, आना चाहिए बैंकिंग में, आना चाहिए? वो कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा ईमानदारी से ये बताना, ये बिल आएगा तब तुम क्या करने वाले हो, तो उन्होंने कहा राजीव भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, व्हिप आएगा और जो व्हिप कहेगा वही हमें तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फिर ईमानदारी से ये बताओ कि जब आप वोट मांगने आते हो मेरे पास तो आप बोलते हो कि हम आपके प्रतिनिधि बनेंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए, तो आप मेरे प्रतिनिधि बनकर वोट लेकर संसद में जाकर बैठते हो और काम पार्टी का करते हो, प्रतिनिधि मेरे बने हुए हो काम पार्टी का करते हो, तो तुमसे जैसा बेवकूफी वाला आदमी कौन है? मुझसे वोट मांगा, मैंने तुमको वोट दिया, 6-7 लाख की आबादी का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी वो 6 लाख वोटर के प्रति है या एक पार्टी के अध्यक्ष के प्रति है, आप बताइए। और अगर आप ईमानदारी से ये कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं? आप मेरे प्रतिनिधि कहां हैं? आप तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि ये सारे के सारे MPs जब संसद में जाकर बैठते हैं तो इनको जितनी पगार मिलती है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, इनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती हैं, इनको जितनी और दूसरी तरह की सेवाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती हैं, लेकिन काम ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करते। दुर्भाग्य मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सब सांसद पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए। बॉन्डेड लेबर होता है ना, वो मालिक की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बॉन्डेड लेबर हमारे ये सब सांसद हो गए। एक तरफ मानते हैं सिद्धांत रूप में कि आपकी बात बराबर है, लेकिन संसद के अंदर जब उसके विरुद्ध वोट डालने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी क्षमता के बाहर है क्योंकि पार्टी का व्हिप जारी हो गया। आप जान लीजिए ये पार्टियों ने व्हिप जारी करने की जो परंपरा बनाई है ये हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की निशानी है, हिंदुस्तान को हिटलर शाही की तरफ ले जाने की निशानी है। ये हिटलर शाही यही होती है,
जहां कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता, एक नेता सोचता है, एक अध्यक्ष सोचता है, एक आदमी समझौता करता है और बाकी सबको मजबूर किया जाता है कि तुम उसको मानो और उसका पालन करो। वैसे हिटलर शाही की तरफ यह देश बढ़ रहा है। जैसे जैसे विदेशी पूंजी निवेश बढ़ रहा है, जैसे जैसे विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान अब हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहा है। प्रजातांत्रिक देश न रहकर अब ये एक डिक्टेटरशिप वाला देश हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने चुनौती है और ये हमारे सामने जिम्मेदारी भी है कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़ने के दो रास्ते हमारे सामने हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये लड़ाई आपके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की अस्मिता की लड़ाई है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बीमा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इस सारे के सारे क्षेत्र में विदेशी पूंजी का आना, हिंदुस्तान की अस्मिता का चला जाना, यह सीधा सीधा उससे जुड़ा हुआ। और आप जानते हैं हमारे देश में एक अमेरिकन राजदूत हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रैंक विजनर। आज तो वो चले गए यहां से, अब दूसरे एक अमेरिकन राजदूत हैं। लेकिन फ्रैंक विजनर ने 1994 के साल में एक बड़ी गंभीर बात कही थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और उस एक बात को सुनकर आप कल्पना करिए कि अमेरिका की योजना क्या है। फ्रैंक विजनर ने 1994 के साल में दिल्ली में एक सभा में ये बोला कि अमेरिका की पूंजी निवेश करने वाली जो बीमा की कंपनियां हैं, माने अमेरिका के सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो जिस दिन भारत में घुस जाएंगी, उस दिन अमेरिकन पूंजीपतियों का सारा प्रभुत्व हिंदुस्तान पर छा जाएगा। और उसने ये बात बहुत स्पष्टता से कही कि अमेरिकन बीमा कंपनियां, वो चाहे LIC में हो, लाइफ इंश्योरेंस में हो या जनरल इंश्योरेंस में हो, अमेरिका की बीमा कंपनियां अमेरिकन पूंजीवाद का और अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा उठाने वाली कंपनियां हैं। आप जरा गौर करिए फ्रैंक विजनर के शब्दों को। उसने कहा कि अमेरिका की बीमा कंपनियां अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा लेकर चलने वाली कंपनियां हैं। और जिस देश में अमेरिका की बीमा कंपनियां या सेवा क्षेत्र की कंपनियां जम जाती हैं, उन्हीं देशों में अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा गड़ जाता। इसका माने क्या हो रहा है, अब अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा गाड़ने के लिए हिंदुस्तान की जमीन को खोला जा रहा है। इसलिए ये मैंने कहा आपसे कि ये आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण भारत की अस्मिता की लड़ाई है, हमारी आर्थिक आजादी को बचाने की लड़ाई है, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को बचाने की लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई हिंदुस्तान की अस्मिता की लड़ाई है, तो ये आपकी अकेले की नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की, प्रजा की जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करे। जिन लोगों ने हमारे LIC या GIC में पूंजी निवेश किया है, आपकी पॉलिसीज खरीदी हैं, जिन लोगों ने 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है एक तरह से आपके सेक्टर में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें रणनीति दो तरह की बनानी होगी। एक तो रणनीति ये बनानी होगी कि व्यापक समाज के हिस्से को कैसे इस आंदोलन में जोड़ा जाए। हम अकेले इस आंदोलन को नहीं लड़ेंगे, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे, आपको बाकी सब लोगों को साथ लेकर यह आंदोलन में चलना होगा। बीमा के क्षेत्र के लोगों को शामिल कराना होगा, बैंकों के क्षेत्र के लोगों को शामिल कराना होगा, शिक्षा क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा, व्यापार क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा, गरीब किसान को इसमें बुलाना होगा, गरीब मजदूर को इसमें शामिल कराना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों के समाज का प्रतिनिधित्व इस आंदोलन में अगर होगा, तो निश्चित रूप से हम ये काम कर सकेंगे। और मैं इस खातरी के साथ, इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसको जीतेंगे। एक दूसरा काम हम और कर सकते हैं, और वो काम हमारे आजादी बचाओ आंदोलन ने अपने हाथ में उठाया। इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार। जब राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। एक तो हम
अपनी तरफ से आपको वायदा करते हैं कि पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो आप पूछेंगे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे जानकारी है और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने, बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने एक स्वाक्षरी मुहिम चलाया था, हस्ताक्षर लेने का मुहिम चलाया था, और मुझे बहुत खुशी है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर संसद में भेजे गए। इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। जिस तरह का आपने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, वैसा ही एक हस्ताक्षर अभियान हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से चला रहे हैं। आपका जो हस्ताक्षर अभियान था, उसमें बीमा के क्षेत्र को बचाने की बात कही गई है। हम लोगों ने भी इसी तरह का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और संपूर्ण हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को बचाने की बात हम उसमें कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 35 लाख लोगों से हम स्वाक्षरी अभी तक ले चुके हैं, 65 लाख से हम और लेने वाले हैं। जिस दिन हमको 65 लाख और लोगों की स्वाक्षरी मिलेगी, हस्ताक्षर मिलेंगे, तो 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम भी यही करने वाले हैं जो आपने किया। आपके 1.5 करोड़ हस्ताक्षर ने भारत सरकार पर काफी दबाव बनाया है और संसद के ऊपर बहुत दबाव बनाया है। जिस दिन वो हस्ताक्षर सौंपे गए थे, मैं उस दिन दिल्ली में था, ट्रक में भर भर के जब वो हस्ताक्षर संसद के गेट पर ले जाकर रखे गए, तो बहुत सारे सांसदों के होश उड़ गए जो विदेशी कंपनियों का समर्थन करते हैं, और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब स्वदेशी वालों की बात ताकत ले रही है, उनकी ताकत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस हस्ताक्षर अभियान ने एक जोरदार अभियान चलाया और दबाव बनाया। अब उसी दबाव को और गहरा करने के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का हस्ताक्षर लेकर एक अभियान शुरू किया है और बहुत जल्दी हम सरकार को देंगे। हमारी बात बिल्कुल दो टूक है, सीधी सीधी है कि ये बीमा के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे सेवा के क्षेत्र में जो निजीकरण और विदेशीकरण की बात है, वस्तुओं के क्षेत्र में जो विदेशीकरण निजीकरण की बात है, वो सबकी सब एक साथ हिंदुस्तान में रद्द की जानी चाहिए। जिन नीतियों को संसद ने बनाया है पिछले 7-8 वर्षों में, संसद उन नीतियों को वापस ले। ये हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों का जनादेश है, हम ये भाषा बोलने वाले हैं। जो लोग अपना हस्ताक्षर दे रहे हैं, स्वाक्षरी दे रहे हैं, वो सरकार को जनादेश दे रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के मालिक हैं, सरकार हमारी नौकर है। हमारे दिए गए वोट पर सरकार बनती है, माने हम मालिक हैं, सरकार नौकर है। तो नौकर बिना मालिक की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकता, और अगर ऐसा नौकर कोई आ जाए जो मालिक की अनुमति के बिना काम करता है, तो कान पकड़ के ऐसे नौकर को बाहर निकाल दिया जाता है, आप जानते हैं। तो वो 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम संसद में जाएंगे, सरकार को समझाएंगे। सरकार ने हमारी बात समझी तो बहुत अच्छा, नहीं समझी तो वो 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ऐसे जितने भी विधेयक पारित होंगे उनके खिलाफ इस्ते लेकर आएंगे। आप जानते हैं कि भारत सरकार कोई संविधान विरोधी समझौता नहीं कर सकती, भारत सरकार संविधान विरोधी कानून भी नहीं बना सकती। दुर्भाग्य से सेवा के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियों को बुलाने के कानून है, ये सब संविधान विरोधी हैं और हमारे राष्ट्र विरोधी हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की मदद से कहेंगे कि सरकारों को आदेश दिया जाए कि वो इन कानूनों को रद्द करने के लिए कोई भूमिका अपनाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात समझ में आती है, बहुत अच्छा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी बात समझ में नहीं आती, तो एक आखिरी हथियार हमारे पास बचेगा, और वो होगा संपूर्ण बगावत का और पूरी की पूरी क्रांति का। तब शायद इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, और उसके लिए रास्ते क्या होंगे? एक तरफ तो हिंदुस्तान के लोगों में जनमत बनाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि ये बीमा के क्षेत्र में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा, बैंकों में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा, पूंजी के क्षेत्र में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा। करोड़ों लोगों को ये बात जब समझ में आएगी, तो वो आपके साथ इस लड़ाई में जुड़ते जाएंगे, और वो काम पिछले 8 वर्षों से हम बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आजादी बचाओ आंदोलन और हमारे साथ ऐसे 70 संगठन है देश में, वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन करोड़ों की संख्या में लोगों को यह बात समझ में आएगी, तो कोई समझौता दुनिया का टिकेगा नहीं, कोई WTO हिंदुस्तान में रहेगा नहीं, कोई IMF और वर्ल्ड बैंक की नीतियां इस देश में चलेंगी नहीं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का कोई भी समझौता हो, हमेशा इरिवर्सिबल नहीं होता, कोई भी समझौता हो वो रिवर्सिबल होता है।
कई बार समझौते होते हैं दुनिया में और वो रद्द किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 94 के साल में जो गेट करार का समझौता हो गया है वो इतना ताकतवर है कि रद्द ही ना हो सके। मैं आपको अभी बोलकर जा रहा हूं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगले 2-3 साल के अंदर ये WTO ही खलास होने जा रहा है और ये WTO के सारे समझौते रद्द होने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों में ये हंगामा शुरू हो गया है। सिएटल की मीटिंग कल से शुरू हो रही है और उस सिएटल की मीटिंग में दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं WTO का विरोध करने के लिए, विदेशी कंपनियों का विरोध करने के लिए। एक बाजू में सरकारी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, दूसरे बाजू में हजारों लोग दुनिया भर के पहुंच रहे हैं, उसमें आजादी बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि भी जा रहे हैं कल सिएटल, या आज रात को रवाना हो रहे हैं वो दिल्ली से। तो ये दुनिया भर के लोगों में अब ये चर्चा शुरू हो गई है। मजदूर, किसान, गरीब आदमी जो भुखमरी का शिकार है, जिसको 2 जून खाने को रोटी नहीं मिलती है, साधारण किस्म का व्यक्ति है, वो जान गया है कि इन विदेशी कंपनियों से उनका कोई भला नहीं हो सकता। अगर उसका भला होगा तो अपने देश के लोगों के द्वारा होगा, अपनी पूंजी के द्वारा होगा, अपनी अभिक्रम के द्वारा होगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता के द्वारा होगा। तो एक बाजू में सरकारी लड़ाई लड़नी है सरकार के स्तर पर, दूसरे बाजू में जनता को मोबिलाइज करना है, और तीसरे बाजू में दुनिया भर के लोगों को मोबिलाइज करना है जो WTO के खिलाफ है, जो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ है, जो IMF के खिलाफ है। 3 स्तर की लड़ाई ये लड़नी है और इस लड़ाई में हम सब एक साथ मिलकर अगर लगेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, तो जरूर ये लड़ाई में हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। मैं आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो संकल्प करते हैं, बिना संकल्प के दुनिया में कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। अधूरे संकल्पों से लड़ी गई कोई भी लड़ाई दुनिया में कभी सफल नहीं हुई है, लेकिन छोटे छोटे संकल्पों से जब लोगों ने काम शुरू किए हैं तो बड़े बड़े काम उसमें हो गए हैं। हिंदुस्तान में दुनिया भर के इतिहास का अगर आप अध्ययन करें और आप पाएंगे कि जिन जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं वो संकल्प लेने वाले लोगों के कमिटमेंट के कारण हुई है। अगर हम भी ऐसा कोई संकल्प करेंगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, तो जरूर हम उस संकल्प को धारण करके उस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करने आया कि यह लड़ाई अमेरिकन पूंजीवाद के खिलाफ है, यह लड़ाई अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ है, यह लड़ाई यूरोपियन पूंजीवाद और यूरोपियन साम्राज्यवाद के खिलाफ है, यह लड़ाई विदेशी कंपनियों के साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो इस लड़ाई में अगर हम सब लोग ईमानदारी से शामिल होते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा काम ना करें जिससे अमेरिकन पूंजीवाद मजबूत हो, अमेरिकन साम्राज्यवाद मजबूत हो, यूरोपियन पूंजीवाद मजबूत हो, यूरोपियन साम्राज्यवाद मजबूत हो। तो आप पूछेंगे राजीव भाई उसके लिए क्या करें, जो अमेरिकन कंपनियां भारत में घुसना चाहती हैं या घुस चुकी हैं और हिंदुस्तान की लूट कर रही हैं, उन सब अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करना होगा। हमें गांव गांव के लोगों को उसके बहिष्कार के लिए तैयार कराना होगा। तो आप पूछेंगे वो क्या करें, मेरा आपसे निवेदन है कि ये लड़ाई आज से अगर शुरू मानते हैं आप, तो आज से अमेरिकन कंपनियों का सामान खरीदना बंद करिए, यूरोपियन कंपनियों का सामान खरीदना बंद करिए, और आप ऐसा संकल्प करिए कि अपने जीवन में कभी भी पेप्सी कोला पिएंगे नहीं, कोका कोला पिएंगे नहीं, थम्सअप पिएंगे नहीं, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी पिएंगे नहीं, कॉलगेट जैसी कंपनियों का सामान इस्तेमाल करेंगे नहीं, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं। इन सारी विदेशी कंपनियों का अगर हम बहिष्कार करेंगे तो सारे देश में बहिष्कार का एक आंदोलन बनेगा, और जानते हैं वो किस दिन आपके काम आएगा। अगर आज आपने विदेशी और अमेरिकन वस्तुओं का बहिष्कार कराया और हिंदुस्तान की जनता इस बहिष्कार के आंदोलन में शामिल हुई, तो कल जब अमेरिकन बीमा कंपनियां भारत में आएंगी तो उन अमेरिकन बीमा कंपनियों का बहिष्कार कराने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ जनता के पास जाने का अधिकार होगा। एक साथ ये बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में चलेगा तो जरूर हम इसमें सफल होंगे, ये लड़ाई का आखिरी हिस्सा होगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया था और निवेदन के साथ साथ एक विनम्रता के साथ अनुमान आग्रह करने आया कि आपने ये लड़ाई अगर शुरू की है तो इसको जारी रखिए, किसी भी कदम पर इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए, जितना बन सके आप अपनी ताकत और क्षमता से इसको लड़िए, दूसरे लोगों की ताकत और क्षमता आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, और हमारे आंदोलन की तरफ से आप या आपके आंदोलन की तरफ से हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम सब एक ही समाज के लोग हैं, एक ही तरह से इस राष्ट्र को बचाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं। तो हम सब एक परिवार के लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर कदम हमारे सफलता की तरफ बढ़ेंगे। हम लड़ेंगे
और इस लड़ाई को जीतेंगे, इस संकल्प के साथ आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हम सब